हम जिम कॉर्बेट जाने के लिए तैयार हैं। बहुत मुश्किल से इतने सोच के कि चलो आज फाइनली हम जिम कॉर्बेट चले ही जाते हैं, तो कई सालों से प्लान बनते बनते अब हम जिम कॉर्बेट के लिए फिलहाल सफारी के लिए तैयार हैं। जिप्सी में अभी स्टार्ट नहीं हुई है राइट, और लोग तैयार हो गए हैं। सौरभ सुमन जी तैयार हो गए, अभी स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन हम स्टार्ट हैं। ये स्टार्ट है, बल्कि दीवारों पे कुछ पोस्टर बने हुए थे जानवरों के, तो हमें पहले ही बता दिया गया कि आप दीवारों पे ही देख लो कि यहाँ पर पोस्टर्स हैं और जानवर आपको दीवारों पे दिख जाएंगे। अंदर एक्सपेक्ट मत करना कि आपको जानवर दिखेंगे, तो हम लोगों ने सोच लिया है कि अब हमें अंदर एक्सपेक्ट नहीं करना है। अब देखना ये है कि लोग कितना ध्यान रखते हैं, आईडीज कितनी लेकर के आते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ आईडी चेक हो रही है, अब यदि आईडी होंगी तो हम अंदर जा पाएंगे। कोरोना टेस्ट भी होगा, आईडीज भी चेक होंगी, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। वैसे देश में काम तो शानदार चल रहा है, अब जिम कॉर्बेट जैसी जगहों पर इस तरह की बहुत सारी सावधानियां बरती जाती हैं जो कि हो रही हैं। तो लोग प्रॉपर मास्क में हैं, कई सारी जिप्सियां तैयार हैं, यहाँ पर भी हैं, और इनकी वही फोटो ये देखो, जहाँ मौका लगे फोटो, बहुत बढ़िया, जहाँ मौका लगे सुंदर बन के फोटो निकलवाओ। तैयार हो गई है इसलिए आए। फाइनली हम जिम कॉर्बेट के लिए तैयार हो गए, जिप्सी में हूँ और देखो मैं कैसे रेडी हुई हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ एक बार कि मैंने ये मेरा अटायर है। ये ठीक ही लग रही हूँ ना, थैंक यू। चलो अभी खड़े होने का टाइम नहीं है, अभी हम आराम से बैठ के जाएंगे। जब जानवर यदि दिखे तो शेर यदि जानवर दिखे तो ठीक है। आज से 12-13 साल पहले आई थी यहाँ पे, तब काल मूवी के बारे में सुना था, बहुत अच्छा लगा था। तो हम लोग वो पॉइंट्स ढूंढ रहे थे जहाँ पे काल मूवी की शूटिंग हुई थी, तो अच्छा लगा था। अच्छा, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, चालान पालान भी, और फिर सेफ्टी के लिए ठीक भी है। तो जैसे ही पहुँचती हूँ वैसे ही आप लोगों को बताती हूँ। अंदर जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है जैसे जुरासिक पार्क जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, वही गाड़ी से कही थी, मोबाइल वगैरह। ओके ओके, हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आपको साउंड थोड़ा कम करना है, और कोई भी गाड़ी आती है या कोई भी जानवर आपको दिखता है तो आप लोगों को बोलना नहीं है। मतलब अच्छा अच्छा, वैसे तो हमारे गाइड हमें बहुत कुछ बता रहे हैं, तो यदि हम उनकी तरफ आपको लेके जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा हम लोगों के बताने से ज्यादा। सौरभ जी समझ रहे हैं और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो यहाँ से हम लोगों को ढिकाला थोड़ी चलेगा। नहीं नहीं, देखिए सर, पूरा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हुआ है, 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के 3 जिलों में है। हाँ हाँ, नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार जी, और उसके हम टोटल 12% में यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। ओके, 12% में टोटल 8 जोन है। हाँ, और हम सिर्फ 1 जोन में जाएंगे जहाँ से हमें परमिशन है। अच्छा, तो ये कौन सा जोन कहलाता है? गर्जिया जोन। गर्जिया, हम गर्जिया जोन में जोन में जा रहे हैं। हाँ, हमें अभी अभी पता चला है। ओके, ओके ओके, फ्रेंड्स सौरभ सुमन जी चढ़ गए हैं, उतरने का नाम नहीं ले रहे। एक शेर मेरा मन कर रहा है कि मैं सुनाऊं, क्या मैं आप लोगों को साफ दिख रही हूँ? शेर ही शेर सुना देगा यहाँ थोड़ी देर में नहीं, यहाँ देखो शेर तो मिलने वाला है नहीं,
शेर तो मिलने वाला है नहीं, तो मैं क्या सोच रही हूँ एक शेर ही सुना देती हूँ आप लोगों को, शानदार सा मुझे जो मन में आ रहा है वो सुना देती हूँ। चार लाइन सुनाऊँ या शेर सुनाऊँ? कुछ भी हो, चार लाइन का शेर सुनाओ। अरे यार चार लाइन का शेर नहीं होता तो चार लाइन सुनाऊँ या शेर सुनाऊँ बताओ भी? चार लाइन ही सुना दो। टिमसी मैम इस समय वीडियो बना रही है, टिमसी मैम आप बताओ। मैम पूरा शेर सुनाओ। पूरा शेर सुना दो मतलब ना चार लाइन। सौरभ सुमन जी आजकल बहुत मजनू टाइप शायरी कर रहे हैं, भयानक मजनू टाइप शायरी, तो आप ही कोई मजनू टाइप शायरी सुना दीजिए। सॉरी सॉरी, इस समय हम केवल जानवरों को देखने आए हैं। चलिए खैर, मैं मेरे मन की शानदार सी चार पंक्तियां सुना देती हूँ आप लोगों के लिए, जो मुझे बहुत पसंद है कि और क्या देखे? जिंदगी सी लगी, जिंदगी क्यों नहीं, अरे गिलहरी जिंदगी सी लगी, जिंदगी क्यों नहीं, गम ही गम हर तरफ है खुशी क्यों नहीं। और शेर सुनना कि वो कहानी जो एक बार तुमसे सुनी, वो कहानी जो एक बार तुमसे सुनी, फिर वही क्यों नहीं। तू तो चिंटू जैसी बातें कर रहा है। चिंटू इनके दोस्त हैं। चिंटू की कहानी सुना दो बस। चिंटू की कहानी अगर वायरल हो गई ना और चिंटू ने देख ली तो चिंटू की कोई बात नहीं करेंगे हम। कोई यदि जानवर दिखता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखो चारा लेने वाली गाय इन लोगों ने मतलब हम यहाँ पर ये दो तीन किलोमीटर अंदर जाती है, इसमें से दो तीन वापस भी आती है। मतलब हद है, मुझे पीछे बिठा के मैं इतने ट्रबल कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, इन्हें पीछे बिठा के ये धीरे से आपस में बातें कर रहे हैं। कभी कभी पिछली बार जब हम आए थे भाई साहब, हमारे को हमारे गाइड ने मुर्गा दिखाया था। देखो देखो देखो, चुप चुप चुप, हम सारे चुप हो गए। थोड़ी देर बोल, देखो जंगली मुर्गा। मैंने कहा जाले किसी को याद नहीं आ रहा कि इस गाड़ी में अनामिका भी है, कोई नहीं सोच रहा इस बारे में, सब अपने में लगे धीरे से। कोई मतलब नहीं है, ले सकते हो, कोई जानवर है फोटो तो तभी लोगे। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ आपस में ले लो एक दूसरे की फोटो। हाँ अपनी कर लो, अपनी कर लो, सारी बातें अपनी कर लो, मुझे रहन दो, मुझे यहीं कहीं छोड़ जाओ इसी जंगल में। चुईया चुईया जंगली चिड़ी है ये। वो गाइड सही बता रहे, चलो ये काम की बात हुई है, कुछ सुन लेते हैं। ये सात बर्ड एक साथ रहती हैं। अच्छा ये क्यों एक साथ रहती हैं? क्यों जंगल घूमना जा अब मैं इन लोगों को डिस्टर्ब करती हूँ और इन्हें इनका रास्ता दिखाती हूँ। अरे फाइनली हमें ये हिरन है, ये मिलता है आपके यहाँ? ये हमें कुछ दिखा है और हम ये लीजिए, ये सांबर डियर है स्पॉटेड डियर है। हाँ ऑब्वियसली इसका नाम हिरन क्यों होता है? इसका नाम हिरन क्यों होता है? हाँ एग्जैक्टली, ये क्योंकि लड़का है इसलिए ही, और ये रन करता है इसलिए हिरन। देखो इसकी वाइफ, कुछ दिखा आप लोगों को? इसकी वाइफ भी है, इसकी चक्कर में वो खुश है। अच्छा, एक नीचे भी है, नीचे दिख नहीं रही मुझे, कैमरे में नहीं आ रही, कहाँ है नीचे? वो ये बता रहे हैं कि जितने भी दिख रहे हैं सामने, ये सारे के सारे फीमेल्स हैं। जो मेल्स हैं उनके वो निकले रहते हैं सीन, ये पुरुषों में नहीं दी गई ये फैसिलिटी, वरना तो औरतें शांत रहती। ये शीरन है, ये हिरन नहीं। वो पेड़ पे क्या है? कहाँ पे? बताओ 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 पेड़ पे क्या है? वहाँ पे कुछ कहाँ पेड़ पे कुछ चल रहा था? हाँ यही ये तो हाँ यार वो चल रहा है तो ओ तोता। अरे तोता चल थोड़ी ले रहा था, देखो था। देखो यहाँ पर एक मास्क में पीछे एक बंदर भी, चार हिरन देख लिए, बंदर भी है पीछे,
और इन लोगों को लगा कि ये लोग तो फालतू के लोग हैं, तो एक जिप्सी हमें क्रॉस करके निकलने वाली है। इच्छाधारी नागिन है उसमें क्या है उसमें इच्छाधारी नागिन दीमक बना दी। सुनो गाइड की बात सुनो, मुझे लगता है कि मुझे गाइड को ही कवर करना चाहिए। आप बताइए भैया, अभी आप लोग बनाती है, आप लोग अभी शांत रहे जरा भैया, आप बताइए जरा बताइए। दीमक इसे बनाती है जो डेड वुड हो जाती है, जो पेड़ गिर जाते हैं जंगल के अंदर, उसकी जो रूट रह जाती है उसको डिकम्पोज करने का काम ये करती है। क्या बात है। और ये फूड चेन के लिए भी जरूरी है, बर्ड्स वगैरह बेयर्स वगैरह इसमें से खा सकते हैं। ठीक, फूड चेन के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ओके मिलते हैं दोबारा।